हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंबई टू कोलकाता का जर्नी और कोलकाता का कुछ प्लेसेस। हम 1 अप्रैल को गए थे कोलकाता। हमारा फ्लाइट था मॉर्निंग 4:45 को और ये फ्लाइट वाया रायपुर था। तो आइए देखते हैं हमारा मुंबई टू कोलकाता का जर्नी कैसा था। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज है 1 अप्रैल और अभी बज रहे 3:44 और हम अभी है मुंबई एयरपोर्ट में। हम फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं कोलकाता, कोलकाता जो कि है मेरा होम टाउन। हमारा फ्लाइट है भाया रायपुर, जैसे 5:40 का डिपार्चर है और रायपुर पहुंचने के बाद 2 घंटा का हॉल्ट है और उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे कोलकाता। हम कोलकाता पहुंचने के बाद कुछ प्लेसेस घूमेंगे और फूड एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। है रायपुर और ये है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। इधर से कोलकाता के लिए डिपार्चर है 9:25। हम लोग चेक इन कर लिया है और चेक इन के टाइम पे सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगा वो सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बाहर निकल के ट्रे में रख के सिक्योरिटी चेक करना है। इवन पर्स और बेल्ट तक निकल के भी रखना पड़ता है। कोलकाता पहुंचने के बाद एक दिन घूमने के लिए निकले थे। हम अप्रैल महीने में गए थे, बहुत गर्मी था लेकिन फिर भी हम लोग एक दिन घूमने के लिए निकले थे। आज हम कोलकाता में कुछ प्लेसेस घूमेंगे और फूड एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम इंडियन म्यूजियम देखने आए। ये म्यूजियम बहुत ही पुराना है, 1814 से है। हम अभी आए हैं इंडियन म्यूजियम में। ये वेस्ट बंगाल के अंदर सेंट्रल कोलकाता में है और ये म्यूजियम पूरे दुनिया में 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम है। इसके ऊपर का 2 फ्लोर में गैलरीज है और नीचे ओपन स्पेस है। सबसे पहले हम आए आर्कियोलॉजिकल गैलरी में। इस गैलरी में हजारों साल पुराना मूर्तियों का कलेक्शन है। अभी हम आए इंसेक्ट्स गैलरी में। इस गैलरी में एजुकेशन पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स का इंसेक्ट्स और स्पीशीज को डिस्प्ले किया गया है। इस म्यूजियम में जूलॉजिकल गैलरीज भी है। इधर मैमल्स का स्केलेटन है जो कि ओरिजिनल है, उनको प्रिजर्व किया गया है और पॉलिश करके एक बेहतर लुक्स दिया गया है। यह है एक्वाटिक गैलरी। इधर डिफरेंट टाइप्स का एक्वाटिक एनिमल्स है। इधर बर्ड्स गैलरी भी है। इधर डिफरेंट टाइप्स का वुड डिस्प्ले किया गया है। अभी हम बोटानिकल गैलरी में आए हैं। प्लांट बेस्ड इकोनॉमिक प्रोडक्ट इधर डिस्प्ले किया गया है। राइस कॉटन कैसे प्रोसेसिंग होता है ये भी दिखाया गया है। ये एक गैलरी है जिधर पुराने ज़माने का क्रोकरीज डिस्प्ले किया गया है। ये है फॉसिल्स एंड रॉक गैलरीज। अभी हम आए हैं पेंटिंग्स गैलरी में। इधर डिफरेंट आर्टिस्ट का पेंटिंग्स का कलेक्शंस है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये है इजिप्ट गैलरी। इजिप्ट गैलरी में 4000 ईयर्स ओल्ड इजिप्शियन ममी है। इधर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये है भारूद गैलरी। इसमें 1st और 2nd सेंचुरी BC का स्तूपा और स्टोन में गॉड और गॉडेसेस का कर्विंग्स है। ये सब देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसको थरोली देखने के लिए 4 से 5 घंटा मिनिमम टाइम लगेगा। ये म्यूजियम मंडे को बंद रहता है। अगर आप कोलकाता आते हो तो म्यूजियम जरूर विजिट करना।
उसके बाद हम गए थे कॉलेज स्ट्रीट और कॉफ़ी हाउस में। कॉलेज स्ट्रीट एशिया का लार्जेस्ट बुक मार्केट और कॉफ़ी हाउस कोलकाता का कल्चरल हिस्ट्री का एक पार्ट है। इस टाइम हम ये दो प्लेसेस ही आपके साथ शेयर किया, फिर मिलते एक नया जगह पे। हम अभी है कॉलेज स्ट्रीट में, जिसको बोईपारा के नाम से भी जानते हैं। बोई मतलब बुक और पारा मतलब कॉलोनी। ये 900 मीटर लॉन्ग है। इट इज स्ट्रेचेस फ्रॉम मिदनशाहनी रोड टू गौ बाजार भाया एमजी रोड क्रॉसिंग टू सूर्यासन रोड क्रॉसिंग, और ये सेंट्रल कोलकाता में है। कॉलेज स्ट्रीट जो है एशिया का लार्जेस्ट बुक मार्केट और होल वर्ल्ड में सेकेंड हैंड लार्जेस्ट बुक मार्केट, बहुत दूर दूर से इधर लोग बुक लेने के लिए आते हैं। अभी हम कॉलेज स्ट्रीट एरिया में इंडियन कॉफ़ी हाउस में आए हैं। ये कॉफ़ी हाउस बहुत ही पुराना है, 1940 से है। एक ज़माना था जब यहाँ पर म्यूजिशियन, पोएट्स, आर्टिस्ट आया करते थे। ये एक मीटिंग स्पॉट होता था। आज भी यहाँ पर हर एज ग्रुप का लोग आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रणति और आप देख रहे हो मेरे चैनल प्रणतिस ट्रैवल डायरी। मैं मेरे चैनल पे डिफरेंट प्लेसेस, उधर का फूड कल्चर, इस सब के बारे में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।